नमस्कार, मैं प्रिया, धाराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव केस अभी 82,267 है, जो कि 572 दिनों में सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,563 नए मामले आए हैं और 132 लोगों की जान गई है। 8,077 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 1,646 एक्टिव केस कम हो गए हैं। वहीं देश में जानलेवा कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट की आफत बढ़ती जा रही है। अब तक 150 केस सामने आ चुके हैं। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन 2016 के पनामा पेपर्स लीक प्रकरण से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई। ईडी द्वारा अभिनेता अमिताभ बच्चन की 48 वर्षीय बहू से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के तहत पूछताछ की गई। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को कर्नाटक में 5, गुजरात में 4, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 6 और केरल में 4 नए केस दर्ज किए गए, जिसके बाद देश में नए वेरिएंट के कुल मामलों की संख्या 170 पर पहुंच गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरियंट के 5 नए केस आने के बाद इससे संक्रमितों की संख्या 19 हो गई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इनमें से किसी में बीमारी के लक्षण नहीं है। जांच का सामना कर रहे बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने पहली बार अपनी ऊपर लगे आरोपों पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने इस पूरे मामले में मीडिया कवरेज और अपने परिवार को ही निशाने पर लिया है। आरोपों का सामना कर रहे राज कुंद्रा ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वैसे तो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मीडिया और मेरे परिवार के लोगों ने ही मुझे दोषी घोषित कर दिया है। ये पूरा प्रकरण कुछ और नहीं, एक विच हंट है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कंसल्टेंट्स पदों पर भर्ती निकाली है। नोटिस में कहा गया है कि कंसल्टेंट्स के पदों पर भर्ती 1 साल के लिए होगी। इसके लिए उम्मीदवारों की उम्र अधिकतम 65 साल होनी चाहिए। नोटिस के अनुसार कंसल्टेंट भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 27 दिसंबर है। इसके लिए आवेदन ऑफलाइन करना है। वहीं उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरकर DGCA के रिक्रूटमेंट सेक्शन के पते पर भेजना है। इस पद के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एयर वर्दिनेस के रिटायर हुए डिप्टी डायरेक्टर ने नीचे पद से नीचे के कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना करने को सोमवार को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में घोषणा की। विश्वविद्यालय 12वीं कक्षा के बाद 4 साल का एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम कराया जाएगा, जिसमें बीए और बीएड, बीएससी और बीएड और बीकॉम और बीएड पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कैबिनेट ने आज प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और इस संबंध में विधेयक दिल्ली विधानसभा के अगले सत्र में लाया जाएगा। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अब तक दाखिल नहीं किया है तो अब केवल आपके पास 12 दिन बचे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है, इसीलिए जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल कर लिया। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर टैक्स पेयर से 31 दिसंबर से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने को कहा है। ओमिक्रॉन के कारण ब्रिटेन की स्थिति भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ब्रिटेन में जहां हर दिन में ओमिक्रॉन के 12,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, वहीं इसराइल में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने लोगों से कोरोना की वैक्सीन लगवाने और उचित सावधानी बरतने की अपील की है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो अपने आप में परेशान करने वाली खबर है। इन नए मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 28 पर पहुंच गई है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सह आरोपी लखनऊ के कारोबारी अंकित दास समेत 5 की जमानत अर्जी जिला जज की अदालत ने खारिज कर दी है, जबकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर विधिक और तकनीक सवाल अदालत में उठे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगर विपक्ष जिम्मेदार हो तो सदन चल सकता है। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गोयल ने कहा है कि सदन चलाना अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि अगर विपक्ष जिम्मेदार हो तो सदन जरूर चल सकता है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद राजनीति गरमाने लगी है। एक रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बना सकती है। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान का क्रिकेट कनेक्शन तो निश्चित ही आप सब जानते होंगे। उनके दादाजी नवाब मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं, लेकिन बचपन में एक्ट्रेस का क्रिकेट में जाने का शौक अधूरा रह गया था, जिसके बाद से उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो दुल्हन के लिबास में है लेकिन वो क्रिकेट खेलती नजर आ रही है। दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय ने सोमवार को किम यो जोंग, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनकी बहन के कद में संभावित बदलाव की खबरों पर सावधानी से प्रतिक्रिया दी है, जब उन्हें एक स्मारक कार्यक्रम के दौरान प्योंगयांग सत्तारूढ़ दल के शक्तिशाली पोलित ब्यूरो के सदस्यों के साथ खड़े देखा गया था।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से यहां मैक्लोडगंज के दौरे के दौरान उनसे मुलाकात की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। यात्रा के उद्देश्य के बारे में उन्होंने कहा है कि यह केवल शिष्टाचार भेंट थी। तिब्बती सरकार द्वारा जारी तस्वीरों में भागवत को एक गणेश प्रतिमा भेंट करते हुए देखा जा रहा है, जो हिमाचली टोपी पहने हुए दिखाई दे रहे थे। नीट पीजी काउंसलिंग 2021 में हो रही देरी को लेकर डॉक्टरों ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। निर्माण भवन के सामने बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर एकत्रित हुए और हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की और सरकार से मांगों को तुरंत हल करने को कहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सोमवार को कहा है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अगले सत्र के लिए दो बार पाकिस्तान का दौरा करेगी। न्यूजीलैंड की टीम दो टेस्ट तीन वनडे मैच खेलने के लिए दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक पाकिस्तान जाएगी। इसके बाद अप्रैल 2023 में भी कीवी टीम पांच वनडे पांच टी20 खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। टीम ने 2021 टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था। फिलीपींस में पिछले हफ्ते आए शक्तिशाली तूफान रॉय से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 144 हो गई है। इसकी पुष्टि स्थानीय अधिकारियों ने की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार बोहोल प्रांत में 72 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जो कि प्रभावित रही, जबकि नेग्रोस ऑक्सीडेंटल में 18, सूबे ने 16, दिनागत द्वीप समूह ने 10 और दक्षिणी लेटे ने 6 लोगों की जान गंवाने की रिपोर्ट दी है। IPL 2022 में ऑक्शन से पहले श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, कुछ खिलाड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। इस मुश्किल या असमंजस का कारण है अहमदाबाद की टीम। इस असमंजस को समझने के लिए अहमदाबाद की टीम की स्थिति को समझना जरूरी होगा। राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्षी सदस्यों ने 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर नारेबाजी की, जिसके बाद सभापति को यह कदम उठाना पड़ा। इससे पहले आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए संसद के दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में हुई थी। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा है कि इस्लामाबाद को काबुल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की युद्धग्रस्त राष्ट्र में चल रही राजनीतिक स्थिति के बारे में टिप्पणी के साथ साथ पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न खतरे के जवाब में आया है। उत्तराखंड में पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी भाजपा अब संगठन की मजबूती और टिकट को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 26 दिसंबर को देहरादून में पार्टी के चुनावी तैयारियों और टिकट के दावेदारों की रिपोर्ट का फीडबैक लेने के लिए आने वाले हैं। आधे से अधिक अपना पाला बदलकर दूसरी पार्टी में जा चुके हैं 40 सदस्य। गोवा विधानसभा में अब तक कुल 21 विधानसभा सदस्य अपनी पार्टी बदल चुके हैं। 13 विधायकों वाली भाजपा के 27, तो वहीं 17 विधायक वाली कांग्रेस के 2 विधायक हुए। मथुरा में भाजपा लोकसभा सांसद हिमा मालिनी ने मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनाने की वकालत करते हुए कहा है कि मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, अब वहां पर उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए। संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री हिमा मालिनी ने कहा है कि यह एक अच्छी बात है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वाराणसी में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, अब मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर बनना चाहिए। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में गिरावट के बावजूद अफगानिस्तान में भोजन, निर्धन जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अभी भी काफी महंगी बनी हुई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी डॉलर रविवार को 130 अफगानी से घटकर 98 अफगानी हो गया है। पंडितों और हिंदू धर्म के संबंध में बयान देकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बुरी तरह फंस गए हैं। बयान को लेकर उनकी हर ओर किरकिरी हो रही है। इसी क्रम में भाजपा के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने हम सुप्रीमो के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जिस तरह का मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और एक विशेष वर्ग पर टिप्पणी की, वो बहुत आहतपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार से बूस्टर डोज देने की मांग भी की। सीएम केजरीवाल दिल्ली में आ रहे सभी पॉजिटिव केस जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेज रहे हैं। साल 2021 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और नया साल 2022 दस्तक देने के लिए तैयार है। नए साल पर 1 जनवरी से कई नियम बदल जाएंगे। 1 जनवरी से बैंकों से भी जुड़ी कई नियम बदले जा रहे हैं। 1 जनवरी से बैंक से पैसा निकालना और जमा करना महंगा हो जाएगा। बैंक ने साफ किया है कि 1 जनवरी से एक लिमिट खत्म हो जाने के बाद कैश निकालने और डिपॉजिट करने पर चार्ज लगेगा। लोकसभा में चुनाव कानून विधेयक 2021 पारित हो गया है। इस विधेयक में आधार को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रावधान है। चुनावी कानून विधेयक 2021 मतदाता सूची डेटा वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने की अनुमति देता है। वहीं राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा करते देखे गए।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण की स्थिति लगभग साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन आयोग की बैठक में जम्मू संभाग में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ाई गई है। आयोग की बैठक सोमवार को नई दिल्ली में हुई थी। केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा सीटों को फिर से तैयार करने के लिए गठित परिसीमन आयोग ने अपने 5 सहयोगी सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा की। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रिमझिम, सौरभ मिश्रा, महासेठ माइकल, सनी कुमार, राम सगुनदास, मुकेश कुमार, गजेंद्र सिंह, इंदिरा कुमार, विजय कुमार मंडल, विजय कुमार, सरोज कुमार, मुन्ना यादव, अमित कुमार, कमलेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार, आपके अनुसार अन्य देशों में ओमिक्रॉन के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए क्या भारत सरकार को यात्रा प्रतिबंध लगा देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।